हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है दीपक और मैं हूँ अपने होम टाउन अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और जो अभी का टाइम है वो है सुबह के 10:30। और सुबह से आज बहुत तेज़ धूप, और आज का जो वेदर है एकदम क्लीन है। और आज से 2-3 दिन पहले तक जो वेदर था, पहाड़ी आप देख सकते हैं, चारों तरफ की पहाड़ी आज आपको थोड़ा बहुत क्लीन दिख रही होगी। इससे पहले 2-4 दिन पहले चारों तरफ की पहाड़ियों में थोड़ा हल्का फुल्का धुंध थी, जिसकी वजह से उमस वाला था। और आज ऐसे धूप है तो उस वजह से ज़्यादा उमस नहीं है, गर्मी है, नॉर्मल है। लेकिन जो कल परसों तक जिस तरह का माहौल था, चारों तरफ कोहरे वाला, तो उसमें थोड़ा सा उमस ज़्यादा थी। फिलहाल उमस कम है और हम दोबारा से जा रहे हैं विचित्र विचित्र जगह पर घूमने के लिए, जहाँ पर आपको विचित्र विचित्र तरह के चीज़ मिलेगी। और यह मेरे पीछे गाय भैंस चर रहे हैं, तो उनका भी अभी टाइम है चरने का। फिर बाद में धूप हो जाती है बहुत तेज़, तो जिस तरह धूप अपने को लगती है उस तरह धूप गाय भैंसों को भी लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके लिए भी अपने पास बहुत तकड़े का सॉल्यूशन है। पहाड़ में भी नदी तो है ही है, लेकिन नदी के साथ अपने गांव में ही ऊपर, गांव के ऊपर पहाड़ी पे तालाब, जिसमें भैंस, गाय तो नहीं, जिसमें भैंस जो है आराम से बैठ के गर्मी को दूर कर सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं इसी तालाब का ठंडा पानी। यह है तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, तो ये दोनों कामों में आ जाता है। एक तो भैंस बैठ भी जाती है और दूसरा पानी जो है इधर उधर वेस्ट नहीं होता, जो पानी हो धरती में नीचे चले जाएगा। और यह है मेरे यहाँ पर बैक में पानी का धारा, जिसको अपने वहाँ पर धारा कहते हैं, क्योंकि धारा जिससे पानी का फ्लो होता है अपवार्ड टू डाउनवार्ड। जिस तरह पानी को फेंकोगे ऊपर से तो पानी का जो फ्लो होगा डाउनवर्ड होगा, तो इसलिए इसको धारा कहते हैं, क्योंकि धारा जिस तरह फ्लो रहता है पानी का, तो उसको धारा कहते हैं। तो ये है, तो इसको अपने लोकल लैंग्वेज में धारा कहते हैं, क्योंकि ये पानी जो है ये धरती के नीचे से पानी आ रहा है, तो बहुत चिल्ड पानी है। अभी आपको दिखाता हूँ कितना, कैसा मतलब चिल्ड पानी है, आप किस तरह दिखाऊंगा, आप बस देख सकते हो और मैं महसूस कर सकता हूँ। यह है पानी का धारा जो कि आ रहा है ज़मीन के नीचे से, और एकदम शुद्ध, कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई आरओ की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम शुद्ध पानी है। और आप देख सकते हैं ये रहा, इसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है, देख सकते हैं पूरा शुद्ध पानी है, तो इसमें आरओ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये पानी है ये मौसमी पानी है, क्योंकि जब बरसात आती है तब यहाँ पर पानी स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह सावन है आजकल, तो सावन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये जो धारा है ये मौसमी धारा है। लेकिन एक और धारा है जो परमानेंट चलता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो हमेशा चलते रहता है। लेकिन ये वाला जो धारा है ये है मौसमी धारा, जब बरसात का मौसम सावन रहता है तभी चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था चीड़ के पेड़ और जो सफ़ेदे का पेड़ है वो पानी सोख लेता है, तो इसके ऊपर जितने बहुत सारे चीड़ के पेड़ और सफ़ेदे का पेड़ है जो पानी सोख लेता है, उस वजह से यहाँ पे पानी नहीं निकलता। तो यहाँ पे तभी पानी निकलता है जब बहुत सारी बरसात रहती है या फिर मौसम पानी बरसात वाला रहता है, तभी यहाँ पे पानी निकलता है। और जो अपने घर से नीचे है वो परमानेंट रहता है, वहाँ पे कुछ भी हो, चाहे धूप तेज की कितनी भी तेज़ हो, तब यहाँ पर पानी चलते रहता है।
पहाड़ में एक, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अपने कुमाऊं में चीड़ और गम के पेड़, सफेदा का पेड़ कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उन सब पेड़ों के साथ एक पेड़ और होता है जो मोरपंख है, जिस तरह मोर रहता है उसके पंख रहते हैं, वैसे एक पेड़ का नाम भी यहाँ पर मोरपंख का, मतलब मोरपंख अपने उसको लोकल लैंग्वेज में मोरपंखीडा कहते हैं। तो ये रहा जो सबसे नीचे है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर घास घास है तो इधर से उधर जाने का नहीं है रास्ता ठीक ठाक। और ना आपको दिखाता कि जो मोरपंख का जो पेड़ है वो कैसा पेड़ है और कैसा दिखता है, उसकी जो पत्तियाँ होती कैसी होती हैं, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है तो अभी वहाँ नहीं जा सकता। जब घास घास कट जाएगी तब किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसा है मोरपंख का जो पेड़ होता है। सो फ्रेंड्स लोग, अभी टाइम है शाम के 5:30 और अभी हम हैं रोड में, और यहाँ के जो रोड हैं एकदम खाली रोड हैं, वन वे रोड है, फिर भी खाली ट्रैफिक, यहाँ पे जीरो ट्रैफिक है। और मेरे पीछे आपको जो पेड़ दिख रहा है, ये है मोरपंखी का पेड़, जिस तरह मोरपंख रहता है, मोर रहता है उसके पंख रहते हैं, सेम उसी तरह है अपने यहाँ पे मोरपंख के भी जो है पेड़ रहते हैं। और ये जो मेरे पीछे रास्ता जा रहा है नीचे को, ये सीधे शमशान को रास्ता जा रहा है, जिसे जाना है शमशान वो जा सकता है इस रास्ते से, बहुत मस्त रास्ता है, वो जा सकता है शमशान को। फिलहाल ये है यहाँ का व्यू।